हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारी एक और नई स्टंबल गाइस की वीडियो में। तो यार सब जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दो। ओए दोस्तों, तुम लोग सोच रहे होगे कि आज मैंने अपने ये स्टंबल गाइस के फौजी वाले कपड़े क्यों नहीं पहने। वो ना आज मेरी छुट्टी का दिन था इसलिए आज मैंने ये अपने घर के कपड़े पहने हुए हैं। अरे जैक भैया, सच बोलो ना कि आप इतने घटिया फौजी थे, इतने घटिया फौजी थे कि गुस्से में आके आपके बॉस ने आपके सारे फौजी वाले कपड़े फाड़ दिए और आपको नौकरी से भी निकाल दिया, इसलिए आपने ये गरीबों वाले कपड़े पहने हुए हैं। अरे हाँ टकले, तूने सही बोला, ये जैक भैया के पास तो अब कोई नौकरी भी नहीं रही। ये लिटरली इतने घटिया फौजी थे कि इनको नौकरी से निकाल दिया। फटे कपड़े वाले गरीब भिखारी है ये, इनको कोई भीख दो इनको कोई। अरे भीख चाहिए तो ये लो मेरी नोजी ले लो। अरे नहीं, मेरे पास ही चौमिन रख लो। ये भीख भीख क्या लगा रखा है, भिखारी दिखता हूँ क्या मैं जो सब मेरे मुँह पे आके भीख फेंक रहे हैं। अरे जैक भैया कोई बात नहीं, अब आप भिखारी बन ही गए हो तो आप इतना शर्माओ मत। ये लो मैं भीख दे देता हूँ, मेरी नोजी रख लो आप। भिखारी थोड़ी हूँ मैं, पागल है क्या? और एक मिनट, ये बासी चौमिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे क्यों आया है? अरे मैं तो यहाँ पे आपकी बेइज्जती करने के लिए आया हूँ। अरे यार वो सब छोड़ो यार, वो तो पता ही था कि जैक भैया एक दिन भिखारी बनेंगे, लेकिन यार ये बताओ यार आज स्टंबल गाइस क्यों खेलनी है? अरे यार दोस्तों, तुमको नहीं पता क्या, स्टंबल गाइस में नया मैप आ गया। ओए स्टंबल गाइस में नया मैप आ गया और ये वाली बात मुझे कैसे नहीं पता थी? अरे जैक भैया, जिस टाइम पे ये मैप रिलीज हुआ होगा उस टाइम पे आप जरूर रोड पे भीख मांग रहे होंगे, इसलिए आपको नहीं पता चला। ओए यार ये क्या भिखारी लगा रखा है, सब मुझे भिखारी बोलना बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूं। अरे देखो मैंने सही बोला था, देखो जैक भैया कैसे हाथ जोड़ के मुझसे भीख मांग रहे, देखो मैंने सही बोला था, जैक भैया सच में भिखारी है। अरे वैसे इतने दिनों के बाद स्टंबल गाइस में नया मैप आ गया, अब आएगा ना मजा, नया मैप खेलेंगे बहुत मजा आएगा। हाँ यार मजा आएगा, मैं क्या कहता हूँ नया मैप खेलते हैं। हाँ यार दोस्तों, मैंने मैच स्टार्ट कर दिया, ये देखो ये पर्पल सा दिख रहा है, वो नया मैप है। अरे हाँ, मुझे कोई नया मैप तो दिखाता पर्पल कलर का, वैसे वो कौन सा मैप है? नाम ना ब्लॉक डैश है और ना वो ना बिल्कुल लेजर ट्रेजर की तरह मैप है, उसमें भी हमें सर्वाइव करना होता है एंड तक, लेकिन ना उसमें सामने से ब्लॉक्स आते हैं और अगर हम नीचे गिर गए ना तो फिर हम एलिमिनेट हो जाएंगे। अरे सुनने में तो बड़ा मस्त लग रहा है। ओए लेजर ट्रेजर तो मेरा अभी तक का फेवरेट मैप है, मतलब ये ब्लॉक डैश वाला मैप भी मुझे पसंद आएगा, मुझे जल्दी से नया मैप खेलना है। यार मैं जल्दी से ये जंगली रोल पार करता हूँ, फिर वो नया मैप खेलूंगा। हाँ यार जैक भैया जल्दी पार कर लो। ओए पजामे, वैसे ये तो बता दे वो मैप आता कौन से नंबर पे है? अरे यार वो मैप ना तीसरे राउंड पे आता है। ओए मतलब फाइनल राउंड में आता है, ये तो बड़ा मस्त है, मतलब फाइनल राउंड में एकदम प्रेशर होगा वो नए वाले मैप में। हाँ यार मजा आएगा, चलो यार जल्दी से पार करते हैं। यार जल्दी से पार कर लो, यार जल्दी से ये वाले को पार कर लो। अरे दोस्तों हमने क्वालिफाई कर लिया सेकंड नंबर पे। अरे बहुत बढ़िया यार। अरे अब कौन सा वाला मैप आ रहा है? अरे मसाऊ मुझे क्या पता कौन सा मैप आने वाला है, भगवान हूँ क्या मैं? ओए ये क्या, यहाँ पे तो ये टाइल फॉल आ गया। ये वाला मैप तो कुछ ज्यादा ही आसान है, बस हमें बाकी लोगों को रास्ता पहचानने देना है और फिर एंड में एकदम फिनिश लाइन पार कर लेनी है टाइम से। हाँ यार लेकिन सिर्फ 8 बंदे क्वालिफाई कर सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। हाँ यार हमें भी इन लोगों के साथ आगे आगे रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पीछे रह गए ना तो फिर हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अरे वो तो आप वैसे भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी टीम में सबसे बड़े नूब जैक भैया है। ओए मैं धूम दिखता हूँ तुझे, तू होगा नूब, निकल यहाँ से और जल्दी रास्ता पहचानो। जैक भैया वो लोग तो फिनिश लाइन जाने लग गए, हमें जल्दी जाना होगा नहीं तो हम एलिमिनेट हो जाएंगे। अरे जल्दी करो। ओए ले कर लिया क्वालिफाई, एकदम 7th नंबर पे क्वालिफाई किया है। अरे बहुत बढ़िया यार, बच गए, हमने एकदम 7th नंबर पे क्वालिफाई कर लिया। अरे हाँ यार एंड में क्वालिफाई कर लिया। अरे यार अब फाइनल राउंड है यार, अब वो नया वाला मैप आ सकता है। अरे यार वैसे बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता नया मैप। अरे वैसे ये टकला सही कह रहा है, वैसे भी जैक भैया का नसीब इस दुनिया का सबसे खराब नसीब है और वो वैसे भी इस दुनिया के सबसे बड़े नूब है, तो मुझे नहीं लगता उनको ये मैप मिलेगा। ओए चौमिन चुप रह, नूब होगा तू, ठीक है? मैं ना बहुत प्रो हूं, देखो ये स्टंबल गाइस वाले ना मुझसे डरते हैं, देखो अभी मुझे डर के नया वाला मैप दे देंगे। ओए स्टंबल गाइस वालों, मुझे अभी के अभी नया वाला मैप दे दो, और अगर नया मैप नहीं दिया ना तो तुम्हारी गेम को प्ले स्टोर से बैन करवा दूंगा। ओए देखियो अभी तो ये, अभी तक तो ये लोग डर भी गए होंगे, देख अभी नया मैप मिलेगा। अरे लोल जैक भैया तो लोल हो गया, उनको नहीं मिला नया वाला मैप, उनका लोल हो गया। ओए नोजी वाले जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए, टकले को हार्ट अटैक आ रहा है। अरे अरे कुछ भी हुई नोजी वाले जी, एम्बुलेंस बुला, मैं ठीक हूँ, मेरे को इंजेक्शन नहीं खाने फालतू में। अरे तो तुझे क्या हो गया था, हार्ट अटैक आ गया था क्या? अरे नहीं, ये मैंने बोला था ना मैं नया हंसने वाला बंदा हूँ, जैक भैया का लोल हो गया था इसलिए मैं उनके मुंह पे हंस रहा था।
अरे जैक भैया, स्टंबल गाइस वाले तो आपसे नहीं डरे, उन्होंने आपको नया वाला मैप नहीं दिया। चलो अब आप स्टंबल गाइस की गेम बैन करके दिखाओ। अरे हाँ यार जैक भैया, आपने तो बोला था कि आप स्टंबल गाइस बैन कर दोगे। चलो यार अब जल्दी से स्टंबल गाइस बैन करके दिखाओ। ओए छोड़ यार, स्टंबल गाइस को माफ कर देता हूँ मैं इस बार, लेकिन ओए स्टंबल गाइस वालों, अगर अगली बार मुझे मैप नहीं दिया ना तो तुम्हारी गेम को सच में बैन कर दूंगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो। अरे एक भी स्टंबल गाइस वाले तो कुछ ज्यादा ही दुखी हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप 2.5 साल से कही जा रहे हो कि आप बैन कर दोगे, लेकिन आपने अभी तक उनकी गेम क्यों नहीं बैन की, जल्दी बैन करो ना, वो रो रहे हैं। अरे छोड़ यार टकले, ये जैक भैया के बस की कुछ भी नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े नूब है। अरे यार वो छोड़ो तो यार, दोस्तों मैं फिर से ये फाइनल राउंड में आ गया। हाँ यार इस बार तो नया वाला मैप दे दो। अरे दोस्तों ये क्या, ये देखो सच में नया वाला मैप मिल गया, ये देखो ब्लॉक डैश नया वाला मैप मिल गया। अरे बहुत बढ़िया यार, आखिरकार नया वाला मैप मिल गया। और ये कैसा मैप है, ये तो कुछ अजीब सा मैप लग रहा है। अरे नहीं अजीब सा नहीं है, ये देखो यहाँ से ये जो ब्लॉक आ रहे हैं, हमें बस इनसे पार करते रहना है। अरे हाँ यार शिनचैन सही कह रहे हैं, हमें ना ऐसे आगे जाते रहना है, और ये तो जिन ब्लॉक्स पे क्रैक्स है ना, ये वाले ब्लॉक्स टूट सकते हैं। अच्छा मैं समझ गया, बस हमें इनमें से आगे जाते रहना है ना, और जो इन डब्बों से टकरा के नीचे गिर गया वो एलिमिनेट हो जाएगा। और ये तो बहुत आसान है, ये देख मैं कितनी आराम से कर रहा हूँ इसको पार, ये देख यहाँ और मैं पार कर दूंगा। ये क्या बदतमीजी है, यहाँ पे तो हर जगह ब्लॉक से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। जल्दी से ये देखो यहाँ पे, यहाँ से कूद के चले जाओ। अरे बहुत बढ़िया यार, बच गई, यहाँ पे तो हमें कूद कूद के जाना है यार, ये तो बड़ा तेज होते जा रहा है। ये क्या, यहाँ पे तो अब रास्ता भी नहीं है और कांटे भी आ गए हैं। अरे ये क्या हुआ, हम तो कांटों से उछल के पता नहीं यहाँ चले गए। ओए जल्दी से कूदो यार, ये तो बड़ा तेज होते जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी तक जिंदा, हमें बस ऐसे ही जैसे भी खेल रहे हैं, हमें बस ऐसे ही खेलते रहना है। अरे सिर्फ हम 5 बंदे रह गए, हमें बस ऐसे ही पार करते रहना है। हाँ यार ये देखो यहाँ पे रास्ता, अरे ये क्या, मैं तो ये कांटे से चिपक गया। ओए ये क्या बदतमीजी थी, हम वो कांटे पे अटक गए और वो कांटे ने हमें अपने साथ ऐसे धकेल के पीछे गिरा दिया, ये क्या बदतमीजी थी। अरे और हम तो एलिमिनेट हो गए। अरे मैंने बोला ही था जैक भैया इस दुनिया के सबसे बड़े नूब है, देखो जैक भैया ने तुम सबको एलिमिनेट करा दिया। अरे हाँ चक्की तू तो सही कह रहे है भाई, जैक भैया सुने के सबसे बड़े नूब है। ओए चुप कर जाओ, मैं कोई नूब वूब नहीं हूँ, मैं जीत जाऊंगा, मैं कोई सा भी मैप जीत सकता हूँ। अच्छा तो तुम्हें तो ये वाला मैप जीत के दिखाओ ना, इसमें क्यों हार गए। ओए चुप कर जाओ, तो मैं गलती से हार गया, लेकिन आज जब तक मैं ये वाले मैच में जीतूंगा नहीं ना, तब तक ये वीडियो एंड नहीं होगी। अरे पागल हो गए, इसका मतलब ये वीडियो कभी भी एंड नहीं होगी। दोस्तों हमें अभी के अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो हम मर भी जाएंगे ना, तब भी ये वीडियो एंड नहीं होगी, क्योंकि जैक भी ये मैच जीत ही नहीं सकते। अरे हाँ यार, अब हमें अपनी बची हुई पूरी जिंदगी सिर्फ यही वीडियो में बितानी पड़ेगी। ओए पागल हो गया, अभी जीत जाऊंगा, ये देखो फिर से फाइनल राउंड में ये वाला मैप आ गया, इस बार जीत के रहूंगा। हाँ यार जैक भैया जीत जाओ यार, आसान ही है, हमें बस ऐसे रास्ते बना के जाना होता है। हाँ यार और जोन से ब्लॉक्स क्रैक होते हैं उनमें से तो हम जा ही सकते ना, तो आसान है। ओए ये क्या, मैं अटक गया, यहाँ से कूद के चले जाता हूँ। अरे ये क्या चीज है, यहाँ पे तो डंडे से आ रखे है। ओए ये तो आसान था, इसमें तो ऐसे जंप मार के मैं चला गया। अरे फिर से डंडे आ गए। ओए जा रहा हूँ मैं। ओए ये क्या, ये डंडे ने मेरे को अटका दिया। ओए डंडे जान दे मुझे। ओए डंडे ने उड़ा दिया मुझे, क्या बदतमीजी है, ये डंडे ने उड़ा दिया। अरे मैंने बोला ही था, अब तो हमें अपनी बची हुई पूरी जिंदगी सिर्फ यही वीडियो में बितानी होगी, जैक भैया ये लेवल पार कर ही नहीं सकते। ओए मेरी गलती नहीं है, पता नहीं डंडे की मुझसे क्या दुश्मनी है, डंडे ने उड़ा दिया फालतू में। अरे यार क्या कर रहे हो यार, ये लेवल इतना मुश्किल थोड़ी है। ओए यार मुझे नहीं पता। अरे यार ऐसे तो फिर हम पूरी जिंदगी भी बैठे रहेंगे तो भी यार हम ये लेवल पार नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, इस बार मैं ये लेवल खेलता हूँ। यार बारी बारी सब खेल के देखते हैं, कभी ना कभी तो पार हो ही जाएगा। अरे दोस्तों ये देखो यार, ये सेमीफाइनल राउंड में तो ये सुपर स्लाइड वाला मैप आ गया। अरे इसको जल्दी से पार करो यार, हमें तो फाइनल राउंड खेलना है। ओए ये क्या हो रहा है, पजामे में यहाँ पे तेरी चार क्यों नहीं कर पा रहा, ये मेरा बंदा उछल ही नहीं रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, ओए ये क्या बदतमीजी है, पजामे की चाल ही नहीं काम कर रही, पजामे क्या किया है ये, तूने क्या हैकिंग की है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या हो रहा है, हमें साइड से जाना पड़ेगा। ओए साइड से कैसे जाऊँ, साइड से ये डंडा मारे जा रहा है मुझे। ओए यार ये डंडे की क्या दुश्मनी है, फिर से मार दिया भाई डंडे, क्या हो गया तुझे, जान दे मुझे। ओए फिर से डंडे ने मार दिया भाई, डंडा मेरे टकले पे मारे जा रहा है। अब मुझे टकला टकला बोलते थे ना, ये देखो अभी ये डंडा आपके टकले पे मार मार के आपका टकला तोड़ देगा। बंदा उछल नहीं रहा था और वो डंडा, पता नहीं डंडे की तो मुझसे दुश्मनी हो गई है, पहले ब्लॉक डैश वाले मैप में डंडे ने मुझे उड़ा दिया और यहाँ पे डंडा हारने आगे ही नहीं जाने दिया, लिटरली एलिमिनेट करवा दिया। पता नहीं ये पजामे की चाल भी कैसी घटिया सी चाल है, काम ही नहीं करती पजामे की सड़ी हुई चाल। अरे इसमें मेरी चाल की गलती नहीं है, मुझे लग रहा है स्टंबल गाइस में नया अपडेट आया ना, इन्होंने अपडेट में वो डबल जंप वाला वही खत्म कर दिया, वो ग्लिच था ना, उन्होंने अपडेट में वो ग्लिच खत्म कर दिया। यार ये क्या बात हुई, इसका मतलब हम स्टंबल गाइस में वो सुपर स्लाइड वाले मैप है वो वाली चाल का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
यार अब हम वो वाली चाल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे कोई बात नहीं दोस्तों, मैं फिर से फाइनल में आ गया। अरे दोस्तों ये क्या, ये फाइनल में तो फिर से ब्लॉक डैश मिल गया। अरे बहुत बढ़िया यार, फिर से ब्लॉक डैश मिल गया यार, इस बार जीत के रहना यार, मैं बहुत बार हार गए। यार वीडियो को खत्म करना यार, जीत जाओ यार ये वाला मैच। अरे इस बार मैं खेलता हूँ यार दोस्तों, देखना मैं जीत के रहूंगा। हाँ यार शिनचान जीत जा यार, भगवान के नाम पे जीत जा। अरे देखो मैंने सही बोला था, देखो जैक का जैक भैया तो शिनचान से भगवान के नाम पे भीख मांग रहे, जैक भैया भिखारी है। यार चुप रहे यार चौमिन, तू जाके अपनी बात से चौमिन ठूसना, इधर क्यों आके बकवास कर रहा है। अरे दोस्तों ये देखो मैं तो यहाँ पे सरवाइव कर रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया यार शिनचान, ऐसे ही खेलता रहे यार, आराम से खेलता रहे और जीत जा यार। अरे हाँ यार शिनचान यार जीत जा यार यार, क्योंकि यार जब तक हम ये वाले मैच में नहीं जीतेंगे तब तक ये वीडियो एंड नहीं होगी और मुझे ये मैच खेलते खेलते बूढ़ा नहीं होना है। दोस्तों ये देखो मैं तो यहाँ से कूद के चला गया। अरे बहुत बढ़िया यार शिनचान यार, आराम से खेल आराम से। हाँ यार मैं आराम से खेल रहा हूँ। ओए कांटे आ गए, कांटों में से पार करना बड़ा मुश्किल है। अरे दोस्तों मैंने कांटे भी पार कर लिए। ओए बहुत बढ़िया शिनचान तो पागल हो गया, शिनचान तो हर चीज पार करे जा रहा है। दोस्तों ये देखो फिर से कांटे आ गए, मैंने फिर से कांटे पार कर लिए। अरे शिनचान तो कुछ ज्यादा ही प्रो है, बार बार कांटे पार करे जा रहा है। अरे दोस्तों मैं जीत गया। ओए बहुत बढ़िया यार जीत गए हम, ये नया वाला मैप जीत गए। हाँ यार जीत गए यार, नया वाला ब्लॉक डैश वाला मैप जीत गए। ओए यार ये ब्लॉक डैश वाला मैप वैसे था तो बहुत मुश्किल, लेकिन पता नहीं कैसा शिनचान जीत गया। अरे हाँ यार वैसे भी ये वाले मैप की जो जमीन थी ना वो ना कुछ ज्यादा ही फिसल रही थी, इसलिए ना इसमें जंप मारना बहुत मुश्किल था, लेकिन पता नहीं मैंने कैसे पार कर लिया। हाँ यार यहाँ पे अपने प्लेयर को कंट्रोल करना ये वाले मैप में बहुत मुश्किल है यार, पता नहीं शिनचान ने कैसे किया यार। और वहाँ पे इसने जो जंप मारी ना वो भी बड़ी मस्त थी, वो जो कांटो के थ्रू इसने बार बार जंप मारी थी। अरे लेकिन फायदा क्या हुआ, ये मैप तो शिनचान ने जीता, जैक भैया तो फिर भी नहीं जीत पाए, जैक भैया दुनिया के सबसे बड़े नूब है। ओए वो मैं कोई नूब वूब नहीं हूँ, वो तो आज मैंने अपने फौजी वाले कपड़े नहीं पहने थे ना, इसलिए मेरा फॉर्म गया हुआ था, लेकिन अगली वीडियो में अपने फौजी वाले कपड़े पहनूंगा ना, तब देखियो तब आग लगा दूंगा। अरे जैक भैया लेकिन आप अपने फौजी वाले कपड़े कैसे ही पहनोगे, क्योंकि आपके बॉस ने तो आपके फौजी वाले कपड़े ऑलरेडी फाड़ दिए, तो